क्योंकि उनके न रहने की वजह से सरकारी दो दिन कोई सरकारी काम नहीं हो, लेकिन चुनाव चल रहा है, हमारी मजबूरी है कि हम ये इसलिए कार्यक्रम कैसे नहीं किया। हम उनके दुख में शामिल हैं, इस दुखी घड़ी में जो उनके परिवार के लोग हैं, प्रशंसक हैं, उनके उनको सुनने वाले हमारे साथ हैं, लेकिन चुनाव और ये जो चुनाव होने वाला है ये न केवल उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है बल्कि देश के भविष्य का चुनाव है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन अपील करने आया हूँ, ये बाहर के लोग यहाँ पर है, ये बाहर विधानसभा कुछ अलग सी है, सुनने में आ रहा है कि जब से सरकार लोगों को जगह जगह जगाया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, अगर कोई धमकी दे, कोई धमकी दे उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, वही रिकॉर्डिंग FIR मानी जाएगी। जानते होंगे और आपने भी सड़कों पे वो गाड़ियां देखी होंगी 100 नंबर वाली, 100 नंबर वाली गाड़ी जो समाजवादी सरकार ने शुरू हुई थी, वो इसलिए शुरू की गई थी कि हमारे गरीब, हमारे गांव में रहने वाले लोग जो बहुत दूर रहते हैं थाने से, अगर कोई परेशानी आ जाए, कोई घटना हो जाए, कोई गाली गलौज करे, कोई अपमानित करे, तो वो लोग फोन कर सके और 5 मिनट में 10 मिनट में 15 मिनट में पुलिस पहुंच जाए और उन पीड़ित लोगों की मदद करने का काम करे। गरीब को खाने लाना पड़े, ये व्यवस्था समाजवादी लोगों ने शुरू की थी, लेकिन बाबा मुख्यमंत्री ने गाड़ी के टायर नहीं बदले, मिल गए सब टायर मिल गए, न रंग बदल पाए, केवल 100 नंबर से 112 कर दिया। जब से 112 हुई है पुलिस हमारी कबाड़ा हो गई, सरकारी पुलिस के लोगों का दीगर पैसे नहीं लेकर, अगर आप मदद चाहते थे तो वो कहते थे कि पहले डीजल पेट्रोल का इंतजाम करो तब हमारी गाड़ी चलेगी, झंडा है बजट नहीं होता था। समाजवादी लोगों ने उस योजना को शुरू किया और उसमें आपसे पैसे नहीं मांगते थे डीजल पेट्रोल के, अपने आप पुलिस पहुंची थी आपकी मदद के लिए। इस व्यवस्था की समाजवादी सरकार आएगी तो इस व्यवस्था और कम से कम कोशिश करेंगे, अगर हमें कानून व्यवस्था के लिए गाड़ियां बनानी पड़ी, पुलिस को मोटरसाइकिल पर बनानी पड़ी, तो समाजवादी सरकार ने उसकी भी व्यवस्था करने का काम हम लोग करें। कोरोना आया, बीमारी आई, सब कुछ बंद हो गया, बाजार बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए, उद्योग चलने वाले वो बंद हो गए और जो कुछ भी था सब बंद कर दिया गया। न जाने कितने दिन हम लोग और आप लोग मिलकर के मुंह पर मास्क लगा के घूमते हैं क्या, बीमारी से बचते हैं बचने, और सरकार को जो मदद करनी थी वो मदद नहीं थी उस समय पर, दवाई का इंतजाम अपने आप लोगों को करना, अस्पताल के लिए भागते रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और जो सबसे जरूरी इंजेक्शन था वो भी इंजेक्शन सरकार नहीं दे पाई। अगर उस समय कोई मदद कर रहा था चल रही थी तो वही समाजवादी सरकार ने दी हुई एम्बुलेंस वो उस समय चल रही थी और गांव गांव जाकर के बताओ, अस्पताल सरकारी अस्पताल इलाज नहीं करा पाए, सरकारी अस्पताल इलाज नहीं दे पाए,
मैं आपको गांव के लोगों को भरोसा दिला के जा रहा हूँ। लखनऊ में बड़े बड़े शहरों में तो बहुत है बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज भी हैं। लखनऊ जैसी जगह पर नेताजी ने राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट बनाई। हम लोगों ने केवीएमयू जो सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है उस संस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। पीजीआई को भी बजट दिया और यूनिवर्सिटी मेडिकल बना सकते थे बना दी। एक भारतीय जनता पार्टी ने भी यूनिवर्सिटी दी है, वहां एक यूनिवर्सिटी दी है हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, लेकिन वो अभी बन नहीं पाई है, वो अभी भी वैसी पड़ी है। और जो चल रही यूनिवर्सिटी वो चल रही है राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट के 9th फ्लोर पे। मैं बाकी लोगों को भरोसा दिला करके जा रहा हूँ, यही बटेश्वर की जन्मस्थली है। वो यूनिवर्सिटी का ट्रांसफर अगर कहीं होगा तो बटेश्वर में होगा। बटेश्वर के जो मंदिर है और घाट है उनका जीर्णोद्धार अगर किसी ने किया तो समाज माध्यम सुनने में आया कि अब दिवाली और बीए में हॉबी जलने लगे हैं। ऐतिहासिक हजारों साल से मेला लग रहा है, अगर उस मेले को हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और सरकारी सहयोग करना पड़ेगा तो उस बटेश्वर मेले को लेकर के और बटेश्वर के सुंदरीकरण को भी हम इसे कहा ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर सके उसका जीवनोद्धार, उसका विकास और उसको खुशहाली लाने का काम हम लोग करें। तो सवाल जाए सरकार ने विकास किया है और काम किया और ये ऐसा है जो बहुत गरीब इलाका है, बहुत पिछड़ा इलाका है। अभी हमारे किसानों को कोई बड़ी सुविधा नहीं मिल रही है। अगर किसानों को सुविधा देनी हो तो अभी बहुत सुविधाएं दी जा सकती है। अभी हमारे यहाँ का किसान और गरीब खुशहाल नहीं हुआ, न उनके घर अच्छे बन पाए हैं, ना ही वो अच्छी खेती कर पा रहे हैं, ना ही पानी मिल पा रहा है। और इस सरकार ने हाथ किसी किसान को खाद नहीं मिली हुई। अगर हमारा किसान अब खाद लेने गया उसे खाद नहीं मिली, और अगर खाद मिली गई तो जब घर लाया होगा खाद की बोली और जब देखा होगा कि बोली थोड़ी चूरी हो गई। और बिजली को लेकर भी इस सरकार ने कोई बिजली का कारखाना नहीं लगाया, अभी तक कोई बिजली का कारखाना नहीं लगाया। अगर कारखाने लग गए होते और बिजली जो सरकारी इसलिए साथियों ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। ये आप महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं, ये उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है और साथ ही साथ संविधान बचाने का भी चुनाव है। नहीं ये सुना बन रही है, पता नहीं क्या कर रही है बीजेपी के लोग। जब हो जाता है तब पता लगता है कि ये कर दिया, पहले नहीं पता लगता। बताओ किसी को पता था कि नोटबंदी हो जाएगी रुपया खत्म हो जाएगा। याद करो जिस समय ये गरीबों की अभी सुना बन रही थी और नोटबंदी हो गई थी उस समय मैं कहने आया था आप लोगों से, अरे वो बात तो बन जाएगा बनेगा उसकी। अरे बनाने की बात कह रहे हो, लेकिन विधायक कौन बनाएगा? बनाने को सुझाव जिला बना दो, लेकिन विधायक कौन बनाएगा? विधायक नहीं बना तो
के साथ मैं अपने सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। इस मंच के जनता के लोगों को और यहाँ पर सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जीता और आपकी जो सबसे बड़ी मांग है वो पूरी हो। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स। इस समय मैं वहाँ विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। आज यहाँ कश्मीर के ग्राउंड में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। यहाँ के समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जी सर, क्या नाम है? राजगुरु यादव, मुरैना, मध्य प्रदेश। राजगुरु जी, आप यहाँ आप सभा में आए हैं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने यहाँ वहाँ की जनता से वायदे किए हैं, उसे लेकर के क्या कहना? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो वायदे किए हैं, आने वाले समय में समाजवादी की सरकार बनेगी। निश्चित तौर से वहाँ की जनता से जो वायदा किया है वो काम भी समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर माननीय राष्ट्रीय जी करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक बनते हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो यहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी और वहाँ को जिला बनाने की और प्रयास करेंगे, इसे लेकर के क्या कहना? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बखूबी जानती है कि देश के आगे बढ़ाने के लिए यदि कोई काम करेगा तो समाजवादी पार्टी सरकार करेगी और देश का नौजवान देश को आगे बढ़ाने के लिए कर जाएगा। तो जो यूनिवर्सिटी की जो बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की, निश्चित तौर से भागी जनता को यूनिवर्सिटी भी मिलेगी और आने वाले समय में वहाँ को जिला भी मिलेगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात और भी कही थी कि आगरा यहाँ से समीप है तो यहाँ पर्यटन की जो व्यवस्था होगी उसको भी आगे बढ़ाने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार करेगी। जिस तरीके से यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ है, उसे देखते हुए क्या ये विश्वास किया जा सकता है कि निकट भविष्य में समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है? मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जब से रथ यात्रा चालू हुई तब से पूरे प्रदेश की मैं जनता यात्रा के साथ घूम रहा हूँ और मुझे देखने को मिल रहा है, चाहे अवध हो, पूर्वांचल हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश या बुंदेलखंड हो, पूरे उत्तर प्रदेश में इस कदर बदलाव की लहर के समाजवादी पार्टी की सरकार 300 प्लस से बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी बहुमत के साथ समाज को प्रदेश की गद्दी पर बैठेंगे तो पूरे प्रदेश के लिए विकास की दिशा। एक और समर्थक मौजूद है, आइए उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? हमारा डॉक्टर सुरेश यादव और ग्राम हाल। हाँ, सुरेश यादव जी आज यहाँ यहाँ जनसभा में आए हैं, जिस तरीके से यहाँ समाजवादियों का फैलाव देखने को मिला है, इसे लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर ये कहेंगे कि यहाँ के जो मधुसूदन शर्मा प्रत्याशी हैं जी, वो यहाँ के विधायक बनेंगे। और जनसभा देखने से मुझे ये लग रहा है कि हमारे लग नहीं रहा है, मुझे 150% होप है कि हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। और इसके साथ साथ जो इतना भीड़ हुई है इसको देखते लोगों को ये आभास हो गया है कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पर है या दूसरी पार्टी के, उनके पैर हट गए यहाँ। और आगे मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, मीडिया जो हम जिला के लिए काफी दिन लड़े और मैंने यहाँ भी कहा, और हमारे विधायक जो हमारे पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष रहे और आज हमारे प्रत्याशी भी, उनसे हमने कहा कि आप मंत्री बनेंगे, विधायक नहीं, आप जब जीत जाएं तो मंत्री बन के आएंगे या अखिलेश मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो हमारा वहाँ विधानसभा को या वहाँ को जिला बनाने का पूरा प्रयत्न नहीं, पूरा कोशिश नहीं, 100% बनवाएंगे। मधुसूदन शर्मा जी के खाते में डाल दे।